हमारे बीच में अनीस कसार जी मौजूद हैं, जो कि कसार समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे देववार्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। अनीस जी, पहले तो आपका हमारा देववार्ता चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस काबिल समझा। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से। ज्वालापुर में मोहल्ला अहबाब नगर में कसार समाज की एक बैठक हुई। बैठक में कसार समाज के उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस कसार ने बताया कि हरिद्वार विधानसभा में कसार समाज पूरे तरीके से मदन कौशिक जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा समाज सपोर्ट करेगा। जी, आपका नाम? जी, हुसैन कसार जी। ये क्या कार्यक्रम हुआ जी? ये माननीय मदन कौशिक जी को बुलाया था कसार समाज ने, जो हमारे अनीस भाई हैं कसार, तो उन्होंने बैठक ली थी हमारे कसार समाज की कि हम इसमें समर्थन करें और मदन जी को सपोर्ट करें, पूरी अपना वोट देकर। ये हमारे कसार समाज के जो हैं अनीस कसाब हैं, वो हमारे मदन कौशिक जी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम भी किया है उन्होंने और करते रहते हैं हमेशा। जब भी उनको 5 साल बाद चुनाव लड़ते हैं माननीय मदन कौशिक जी, तो उनके लिए कसार समाज हमेशा खड़ा हो जाता है। और मैं हमेशा से अनीस भाई को देख रहा हूँ कि कसार समाज के लिए भी काम करते हैं और माननीय मदन कौशिक जी के लिए भी काम कर रहे हैं। और वो फिलहाल एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वह हमारे बीच भी आकर पूछते हैं कि भाई माननीय मंत्री जी के क्या 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 कार्यक्रम करा रहे हैं, अब क्या क्या कर रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं। हमारे बीच में अनीस कसार जी मौजूद हैं, जो कि कसार समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये लगभग एक हफ्ते से हरिद्वार में अपने मदन कौशिक जी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कब दिया और कैसे दिया। हमारे देववार्ता स्टूडियो में मौजूद हैं अनीस कसार जी, आइए इनसे बात करते हैं। अनीस जी, पहले तो आपका हमारा देववार्ता चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस काबिल समझा जी। बताइए अनीस जी, आप ये बताइए कि पहले तो कि कसार समाज का गठन जो है वो कब हुआ और कब से आप कसार समाज को संगठित करते आ रहे हैं? देखिए, कसार समाज जो है हमारा एक संगठन है, हमारे जो बिरादरी है कसार समाज, ये काफ़ी समय से इसका गठन हुआ। ये दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलावर खान कसार जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे चला रहे हैं और हमारे पे जो जिम्मेदारी उत्तराखंड की आई थी हमारे भाई का नसीम रहमान साहब पे, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद फिर नंबर आया, दोबारा फिर उन्हें चुना गया और मुझे बीच में प्रदेश महामंत्री बनाया गया। अब मैं फिलहाल में प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार समाज के लिए काम कर रहा हूँ। कसार समाज की जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया? वो सर, मैं सभी सोच समय के निर्णय ले गए और समाज के लोगों से बात हुई और आए हम, हमने देखा भाई हम पार्टी के भी, मैं पार्टी का भी प्रदेश मंत्री के पद पर रह चुका हूँ, जिला अध्यक्ष के अल्पसंख्यक मोर्चे के पद पर रह चुका हूँ। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी वहाँ की लोनहरा का बूथ कमेटी का संयोजक हूँ फिलहाल वर्तमान में। और मुझे माननीय अध्यक्ष जी का, मदन कौशिक जी का निर्देश हुआ था कि अनीस जी, आप अपने समाज में बढ़िया तरीके से पूरे जिले के अंदर काम करें, तो मैंने सोचा क्यों ना बनेगा भाई साहब की जो विधानसभा है हरिद्वार और अहबाब नगर में, हमारे लोग पूरे जिला हरिद्वार के अंदर जितने आदमी हैं, क्यों ना मगर यहाँ से शुरुआत हुई है। मैंने यहाँ से शुरुआत करी भाई साहब के क्षेत्र से और मैंने अहबाब नगर में एक हफ्ते से मैं हेल्प कर रहा हूँ, मतलब वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। और फिर मैंने उसके बाद रात जो है मंत्री जी हमारे बीच में पहुँचे थे, हमारे कसार समाज ने उनको पूर्ण रूप से उनको पूरा समर्थन दिया है और वोट भी उन्होंने लगाया। आप भारतीय जनता पार्टी में जो है कब से सेवाएं दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं भाई साहब के साथ ही जुड़ा था जब जगदीश मुनि जी थे, हमारे विकसित जी थे और तेजपाल सिंह कुमार जी थे और फिर भाई साहब जिलाध्यक्ष बने, तो उस टाइम पे मैं भाई साहब के साथ जुड़ा था और भाई साहब ने उस टाइम भी मुझे कहा था नहीं, इस पार्टी में तुम मेहनत करो, काम करो, तो मैं तभी से मेहनत कर रहा हूँ और भाई साहब की वजह से ही मैं आज इतनी लंबी पाली खेल सकूँ, जो मैं यहाँ आज भाई साहब की धाम से मुझे काम करने पर आना पड़ा।
काम करने के लिए हमने अपना। तो अभी चुनाव चल रहे हैं, तो आपको कितनी विधानसभा में आना जाना पड़ रहा है? माननीय मदन कौशिक जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रह गए। भाई साहब की सरलता ऐसी है कि भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति है कि शायद मैंने देखा नहीं इस तरीके का नेता, भाई साहब एक आम जन से बात करते हैं और बिल्कुल धरातल पर काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, उन्होंने कहा नीश जी आप समाज के भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और आप जो है ना पार्टी के भी एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, आप लगन से आप सभी सीटों पे जितने हमारे 11 सीट है उन्हीं पे सब पे काम करें। तो फिलहाल हमने रुड़की में और तुम्हारा खानपुर सीट पे और आपका क्या नाम मंगलौर और आपका झगरेड़ा और आपका रानीपुर, लगभग इनको तो हमने लगभग लगभग काम कर ही दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में आपके पास में कोई जिम्मेदारी रही है? मेरे पे रही है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और 91 में जिला मंत्री रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या नाम जो है प्रदेश मंत्री के पद पर रहा हूँ, और फिलहाल मुझे जिम्मेदारी दे रखी मैं लढ़ौरा मंडल का, मैं लढ़ौरा का बूथ कमेटी का मैं संयोजक। जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 60 बार, इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल बात सही है, 61 पार होगी ऊपर जा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी रात दिन लगातार ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। जैसे आप मतलब मुस्लिम समाज से है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई भेदभाव होता है भारतीय जनता पार्टी में? कोई भेदभाव नहीं होता, मैंने अभी भाई साहब के पास आया था मैं भी, और भाई साहब से मैंने कहा था ना भाई साहब हमारे कुछ लोग हैं और जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बने, भाई साहब ने कहा बिल्कुल आपके जरूर बनेंगे और जितने आपके मुस्लिम समाज के लोग सबके बनवाएंगे। हमारे यहाँ 1500 के लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है 1500 व्यक्तियों के मकान बन चुके हैं कम से कम, और लैट्रिन शौचालय का पैसा, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी का नारा वो साकार हो रहा और जनता और मुस्लिम समाज पूरा जुड़ रहा है इनसे। चलिए खैर एक बात और बताइए कि जैसे 3 तलाक का मुद्दा रहा तो मुस्लिम बहनों में इसका क्या असर पहुंचा? ओ आप देख लीजिएगा रात जो होते कितनी सभी महिलाएं कितनी आपने देख आप तो थे क्या लेट हो गए थे, आप देखते कितनी मुस्लिम महिला जुड़ रही है पूरे भारत के अंदर, जुड़ रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है हमारी महिला। चलिए खैर हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तय दिल से मुझे इस काबिल समझा, मैं आपके स्टूडियो में आया, मेरा